टाउनशिप इलाके के सेंट्रल एवेन्यू सड़क पर बाइकर्स द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाकर आतंक मचाया जा रहा है, जिसे पुलिस प्रशासन रोकने में अब तक विफल साबित हो रही है। शुक्रवार को शाम 7 बजे सेक्टर 2 वार्ड 55 निवासी एक बुजुर्ग अपने घर वापस जा रहे थे कि उसी बीच आतंक मचाने वाले बाइकर्स का शिकार हो गए। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उनका परिवार काफी आहत है। इस मामले में खुद वाहन चालक भी बुरी तरह घायल है और अस्पताल में उसका भी इलाज चल रहा है। वही वाहन पर दूसरा सवार व्यक्ति सुरक्षित है। जिला पुलिस प्रशासन ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और दुर्घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है, साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है तो वहीं मृतक के पुत्र और एक अन्य ने पुलिस प्रशासन से ऐसे बाइकर्स पर जल्द नकेल कसने की गुहार लगाई है। ये मेरे सेक्टर 2 वार्ड 55 से ही अंकल जी रहते हैं और इनका एक्सीडेंट कल 7:30 बजे 7 से 7:30 के बीच में घटना घटी है। और ये अगेन जो हमेशा से सेंट्रल एवेन्यू में जो बाइकर गाड़ी चलाते हैं लापरवाही से, उसी का अंकल को ये खामियाजा भुगतना पड़ा और पूरे परिवार को। तो मैं तो यही पुलिस प्रशासन और सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बाइकर्स को इन पर रोक लगाई जाए कैसे भी और इनको बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, वो आगे किसी परिवार के साथ हादसा ना हो। तो पुलिस प्रशासन से ये विनती है कि बाइकर्स गैंग जो लड़के लोग जो आजकल तेज गाड़ियाँ चला रहे हैं भीड़ भाड़ के इलाकों में, तो उस पर लगाम लगाया जाए और जिन्होंने भी मेरे परिवार के साथ ये घटना किया उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। डीके खोसला पिता पीएल खोसला उम्र 82 साल है, जो भारत पेट्रोल पंप के सामने सेक्टर पर से सेक्टर टू की ओर अपने घर की ओर जा रहा था। उसी समय जो है सेक्टर 6 से सिल्वर कलर का बुलेट आता बिना नंबर वाली गाड़ी, उसको तेज गति से चलाते हुए ठोकर मार दिया था, जिससे गिरने की वजह से उसके सिर में और पैर में चोट आई, जिसे सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जो इलाज के दौरान रात को 10:30 बजे के बाद खत्म हो गया, जिसका आज पीएम की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी चला रहे थे, उसके साथी था, दो लोग की अभी जानकारी मिल रही है। बुलेट को हमने थाने में रख लिया है, उसकी गति कर रहा है।